वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इंद्रा गुरुंग, मैं इंद्रा गुरुंग हूँ, मेरा नाम इंद्रा गुरुंग हूँ। मैं हांगकांग में रहती हूँ और मैं एक पार्लर चलाती हूँ, मतलब सलून चलाती हूँ। मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 20 साल हो गया काम कर करके। हाँ, इसीलिए 20 साल में कुछ सीखा है तो मैं सबको मेरे नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं अभी आज सिखा रही हूँ कि वॉइस कट कैसे काटते। ये मेरा लॉयल कस्टमर है, एवरी टाइम सी कट विथ मी। और आज मैं इसका बाल पहले से जो वॉइस कट है पर उसको शॉर्ट करना है, थोड़ा शॉर्ट करना है, जैसे कि 3 महीने के लिए, जैसे कि वो 3 महीने में एक बार आती है। तो अभी मैं जितना काटती हूँ उसके बाद वो 3 महीने के बाद आती है तो इतना लंबा हो जाता है। अभी मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर चुकी हूँ, आगे का बाल आके रख दिया और पीछे के बाल को सेक्शन कर दिया, फर्स्ट सेक्शन। तो अभी सीधा सीधा काटती हूँ फर्स्ट सेक्शन को, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। उसका बाल अच्छा है, ठीक है और सॉफ्ट भी है और नाइस भी है, बिकम शाइनिंग। उसके बाल में शाइन भी है, अच्छा है। अभी बाल को अभी ट्रिम ही कर रहे हैं, मतलब 3 महीने के लिए ही काट रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। पीछे का हम जो फर्स्ट सेक्शन होता है बॉयज कट में, हम इसको बहुत अच्छे से मिलाना पड़ता है। अगर इसको अच्छे से नहीं मिलाए तो आउटकम अच्छा नहीं दिखाई देता है। जो पीछे का भाग होता है ना, पीछे से दिखाई देता है ना बॉयज कट, वो अच्छे दिखना चाहिए। तो फर्स्ट गाइडलाइन जो फर्स्ट सेक्शन होता है, और सेकेंड सेक्शन फिर हम हाथ से काटते हैं, स्टेप कट काट लेते हैं पहले के गाइडलाइन को फॉलो करके। हम लोग स्टेप कट, कोई भी कट में स्टेप कट यूज करते हैं। कोई भी बाल का कटिंग हो स्टेप कट होता है, विदाउट वो बरोबर और यू शेप में तो नहीं होता है, वी शेप में भी नहीं होता है, पर अदर स्टाइल कुछ भी, कोई भी स्टाइल करे स्टेप कट यूज करते हैं। अभी जो लंबा होता है वह हम कॉम से भी ऐसा करके काट सकते हैं, मिला सकते हैं। जो लंबा लंबा होता है, जो आउट आ रहा है दिख रहा है, तो हम उसको मिला के बराबर कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट अच्छा दिख रहा है इसका बाल, अभी सेक्शन 2 में ही अच्छा दिखने लग रहा है, लग गया है। अभी हम इसका बाल ठीक है इसीलिए हम थोड़ा थीनिंग कर रहे हैं, वो चाहती है बाल को थोड़ा थीन हो जाए, उसका बाल थोड़ा थीन हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए। ये थीन करने से एक तो बाल थिकनेस घट जाता है, रिड्यूस होता है, दूसरा हम कॉम करते हैं ना तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बाल भी लेयर लेयर दिखाई देता है। अभी थर्ड सेक्शन, पानी स्प्रे करते हैं और कट करते हैं। सेकेंड सेक्शन का गाइडलाइन ले लेके हम कट करते हैं, जैसे कि ऐसा। आप एक सा एक जम नहीं कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न थोड़ा थोड़ा स्टेप स्टेप लेके काटना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आप 4-5 स्टेप ले रहे हैं, जैसे कि राइट हैंड ओवर, बीच से हम उधर तक जाने में 5-6 स्टेप ले लिया, फिर उधर
फिर बीच से हम फिर लेफ्ट और जाने में फिर चार पांच स्टेप ले लिया ऐसा, एक सा एक दो, एक दो स्टेप में नहीं काटना है, अगर एक दो स्टेप में काटेंगे तो बाल अच्छा नहीं होता है। अभी थोड़ा बॉब दिख रहा है, ये शॉर्ट बॉब दिख रहा है, उसको ऐसा पसंद है, उसका बाल ठीक है, अच्छा है, तो ये आपसे आप थोड़ा बॉब कट हो गया है और उसको ये पसंद है। अभी हम थिनिंग भी कर दिया बाल में और ये लास्ट सेक्शन, ऊपर का लास्ट सेक्शन। अभी स्टेप कट ही काटते हैं, नॉर्मल स्टेप कट। पहले हम जब बॉयज कट काटते हैं तो थोड़ा ऊपर ले जाके काटते थे, मतलब 90 डिग्री। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले के एक वीडियो में बताया था कि बॉयज कट का ऊपर तक ले जाना है, 90 डिग्री में काटना है, पर इसका बाल थोड़ा बॉब कट में, इसका कटिंग थोड़ा बॉब शॉर्ट हेयर कट है, इसीलिए उसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाना है। अगर हमको पीछे से थोड़ा बॉब दिखाना है तो ये लास्ट और सेकेंड लास्ट के स्टेप में, सेक्शन में हम ज़्यादा ऊपर तक ना ले जाके काटे, नीचे जैसे कि ग्रोथ लेंथ का थोड़ा नीचे से बाल काटे। अभी हम ये सिर्फ बॉटम में थिनिंग करते हैं, इसके कारण है थोड़ा बॉब अच्छा दिखता है, ये शॉर्ट बॉब, इस लुक्स वेरी नाइस। और अब हम साइड में काटते हैं, उसको कान को ओपन करना है, आई मीन्स उसको कान को पूरा दिखाना है। तो मैं उसको पूछ रही हूँ कहाँ तक करूँ। हाँ, कान के ऊपर से ऐसे करके काटते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन, स्टेप कट फॉलो द ग्रोथ लेंथ, ऐसे। उसके बाद हम फिर लंबे बाल होल्ड करके काटते हैं और कान के इधर उधर ऐसे काटते हैं, थोड़ा लंबे बाल को हम पॉइंटेड कट कर सकते हैं। अभी कान के पीछे हम कान को ऐसा फोल्ड करके इस तरह से हम बाल का शेप दिखा सकते हैं, पीछे का शेप। अभी सेकेंड सेक्शन, अभी इसको थोड़ा सा बब चाहिए, इसीलिए ये हम ज़्यादा ऊपर तक ले जाके नहीं काटते हैं, मीडियम स्टेप कट बोलते हैं। स्टेप कट में भी दो तीन स्टेप कट, तीन किस्म का होता है मेरे हिसाब से, एक होता है नॉर्मल स्टेप कट, एक को होता है लो स्टेप कट, एक होता है वेरी हाई स्टेप कट, मीन्स 90, मोर देन 90 डिग्री करके काटते हैं। स्टेप कट फॉलो बिफोर गाइडलाइन, हम स्टेप कट काट रहे हैं तो पहले का सेक्शन का गाइडलाइन करके।
ऊपर का बाल भी नॉर्मल स्टेप कट, फॉलो बिफोर गाइडलाइन, वो पहले के कटिंग सेक्शन का गाइड करके काटते हैं। अभी आप देख सकते हैं कैसे लेयर लेयर दिखाई रहे उसके बाल में, मतलब स्टेप स्टेप दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं लेडीज बॉयज कट और शॉर्ट बॉब कट भी बोल सकते हैं। कान के अराउंड ये कान के जब वो आजू बाजू काटते हैं तो ऐसा काटना पड़ता है ताकि कान को सेफ्टी हो जाए। आपका हाथ उसको होल्ड करके काटना पड़ता है, अदरवाइज इट इज़ डेंजर, कान को कट सकता है, कान कट सकता है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। यह मेरा कस्टमर का देखिए, अभी उसका पूरा सा कान दिखाई दे रहा है बाल से, उसको बाल उसका कान को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ऐसे काटने में लोगों का बहुत टाइडी अप दिखता है, अच्छा दिखता है। अभी ये सेकंड सेक्शन नॉर्मल स्टेप कट, फॉलो बिफोर गाइडलाइन। ये नॉर्मल स्टेप कट, फॉलो द बिफोर गाइडलाइन, नॉर्मल स्टेप कट है और पहले के कटिंग्स के मुताबिक से उसी के बराबर काटना है ताकि स्टेप सीरियल बाय दिखे। सबसे ऊपर का भाग हम राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का बाल को हम एक साथ पकड़ के बराबर करते हैं ताकि दोनों साइड में बराबर हो। जैसे कि अभी मैं लेकर काट रही हूँ, अभी आगे का थोड़ा इक्वल करना है, कभी कभी लंबा हो जाता है। आगे का थोड़ा इक्वल कर दिया ताकि राइट एंड लेफ्ट हैंड बराबर हो, राइट ओर और लेफ्ट ओर भी बराबर हो। शी हैज रियली नाइस हेयर, उसका बाल बहुत अच्छा है। This is a lady's haircut. Boys look like boys, but ladies' haircut. You can call also a short bob haircut.
आपको इसको शॉर्ट बॉब भी बोलते ताकि पीछे से देखा जाए तो थोड़ा बॉब में आ रहे, थोड़ा ऊपर का थोड़ा बॉब दिख रहा है, मशरूम मशरूम दिख रहा है, इसलिए इसको लेडीज बॉब कट भी बोल सकते हैं और नॉर्मल लेडीज हेयर कट भी बोल सकते हैं और शॉर्ट हेयर कट भी बोल सकते हैं। अभी मैंने सब बटन में बाल का थोड़ा बटन में थिनिंग किया है ताकि बाल को ना थोड़ा लेयर देखें और स्टेप देखें, और उसका बाल भी थिक है, उसको थोड़ा थिन चाहिए, इसीलिए बॉटम में मैंने थोड़ा थिन कर दिया है। इट लुक्स रियली रियली नाइस ऑन हर फेस। आप बॉटम में थिन करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, बाल को उठा के हाथ से पकड़ के बॉटम में ऐसा आप थिनिंग सीजर यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और होपफुली जल्दी फिर मिलते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, बाय बाय।